डॉक्टर जी, औरत बच्चे को जन्म देने के बाद कब से सेक्स में भाग ले सकती है? डिलीवरी होने के बाद डेढ़ महीने में, सिक्स वीक्स के बाद वे सेक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 3 महीने 6 महीने की जरूरत कुछ भी नहीं, वो नॉर्मल डिलीवरी हो, एपिसेटमी का डिलीवरी हो और सीजेरियन का डिलीवरी हो, कोई भी हो, किस प्रकार के डिलीवरी हो, 1.5 महीने से वे सेक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। करने से कोई भी नुकसान नहीं होता। कुछ लोग सकते हैं ये सेक्स में पार्टिसिपेट करने से इस शिशु को ब्रेस्ट मिल्क कम हो जाएगा, ऐसे सकते हैं, लेकिन ब्रेस्ट मिल्क कुछ भी कम नहीं होगा, ब्रेस्ट मिल्क ऐसा ही रहेगा, बढ़ेगा भी कुछ भी नहीं होगा, इसलिए किसी प्रकार शक की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए थोड़ा सा दूर रखने के लिए क्या करना है, जब ये सेक्स में पार्टिसिपेट कर से करना चाहते हैं तब से तब के पहले इसके पहले डॉक्टर के पास जाकर लूप को बना लूप को लगाना। ये जो कई प्रकार लूप हैं, अब आज लूप को लगाना चाहिए, लूप से लूप कर एक एक महीने के बाद ही लूप को डॉक्टर के पास जाकर के लूप को उनका अंदर रखते हैं, IUD इंट्रायूटेराइन डिवाइस, उसको ले उसको रखने से लूप को रखने से प्रेगनेंसी रहेगा। 2 साल तक ऐसे लूप 2 या 3 साल तक रख सकते हैं, सेक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। जो औरत सेक्स में पार्टिसिपेट करती है डिलीवरी के बाद 6 वीक्स में, 6 या 1.5 महीने में, उसका स्वास्थ्य अच्छा लगेगा, अच्छा रहेगा, इसे कोई उसके बारे में कोई भी संकोच नहीं है। औरत को खूब पेट भर खाना, आंखों में नींद आना, ये सब करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कुछ महिलाओं के ये डिलीवरी के बाद उनको ये पोस्टपार्टम ब्लूस होंगे, कैसा उनकी एक प्रकार का डिप्रेशन आ जाएगा, समथिंग मेंटल डिस्टर्बेंस आ जाएगा, कुछ औरतों को उनको बोलते हैं पोस्टपार्टम ब्लूस। जो लोग जो दंपत्य ये सेक्स में पार्टिसिपेट करेंगे ये पोस्टपार्टम ब्लूस कम हो जाएगा, कुछ लोग नहीं आएगा भी, क्योंकि उनका मन का पसंद होगा सेक्स में पार्टिसिपेट करने से। इसे सेक्स डिलीवरी होने के बाद 1.5 महीने से सेक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उससे कोई भी नुकसान नहीं होता। इसलिए जो कोई भी डिलीवरी होता है 6-1.5 महीने से ही सेक्स में पार्टिसिपेट करना। नमस्कार, धन्यवाद। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड एक्टिवेट द बेल आइकॉन।